एक्चुअली काफी दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं जैसे ही थोड़ा सेट होता हूँ तो इस्लामाबाद जाके आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा। और थोड़े दिन पहले हमने जो मनाजिर देखे खवातीन और बच्चों के साथ, जो पुलिस ने टॉर्चर किया इस्लामाबाद में, वो मुझे लगा कि उनका हाल भी देखना चाहिए जाके। फिर मैंने वहां जाना भी मुनासिब समझा, वहां भी मैं क्या रदी भाई लेकर गए, सईद जान, बाकी दोस्त साथ थे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। कुछ आप पूछना चाहें सर, मैं हाजिर। मेरा एक सवाल है, आपकी जुबान में लुकनत आ गई है सर, इसकी वजूहात बयान करें। आपके साथ जेल में क्या हुआ था, इसका जवाब हमें आज तक नहीं ये तो मिला। मुझे भी नहीं समझ आई यार, डॉक्टर अलग अलग बातें बताते हैं और अलग अलग किस्म के इलाज भी बताते हैं। ये रुकना तो अब नहीं है, ये रवि जानते हैं ये कितना ज्यादा प्रॉब्लम था। अब तो बिल्कुल मैं अगर जितना आहिस्ता डाउन बोलता हूँ, और ये नहीं, मैं कुराने पाक पढ़ने में नहीं है मुझे प्रॉब्लम, और मैं चाहे दो चार पांच सूरतें भी पढ़ लूँ एक साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेल में तो नहीं ऐसा कुछ बच्चों के साथ बोलने में हमने महसूस किया कि वहां पे भी कम है। मेरी फैमिली बता रही थी जब बच्चों के साथ आप खेलते हैं या बातें करते हैं वहां पे बहुत ही खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रही है। मुझे आइडिया नहीं था कि ये इस तरह से है, शायद मुझे खुद भी नहीं पता था। जब मैं अपने घर आया और मैंने बातचीत करना शुरू की तो मुझे पता चला, और मुझे घर वालों ने एक्चुअली मुझे इन्होंने रियलाइज करवाया कि तुम ठीक नहीं बोल रहे। सबसे पहले मेरे भाई ने कहा, फिर अली जो लॉयर है वकील, वो जब मैं बोलता था ना तो वो ऊंची ऊंची रोता था, कह रहे कि इसको क्या हो रहा है, वो कहते तू सही बोल नहीं रहा। मुझे फिर उस तरह ऐसा ऐसा आइडिया हुआ कि मेरे बोलने में है प्रॉब्लम। पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था, मुझे ये तो पता था कि कुछ थोड़ा बहुत मैं डिस्टर्ब हूं या कोई प्रॉब्लम है, लेकिन फिर अभी तो काफी रिकवर है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 90% मैं रिकवर कर गया हूँ। थोड़ा बहुत है ये, हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला इसको बेहतर कर देगा। सर गुज़श्ता रात सोशल मीडिया पे चल रहा है कि चीफ साहब को चाहिए कि आपको बुला के आपसे पूछें कि आपको किसने उठाया था, कहाँ रखा था। अगर आपको चीफ साहब बुलाते हैं तो आप सारी कहानी हूबहू उन्हें बयान करेंगे, कहाँ से उठाया, कहाँ रखा, क्या क्या आपके साथ बर्ताव किया गया। मैं पाबंद हूँ कि अदालत में झूठ ना बोलूं। इमरान भाई सर ये बताइएगा, यहाँ पर सारे जेल जेल कहें या टॉर्चर सेल जो भी नाम दे रहे उसका, आप इतना अरसा रहे, इस दौरान इंसान का अल्लाह के साथ ही एक रब्ता होता है और इंसान फिर अपने मिस्टेक्स को भी रिवाइज करता है, देखता है कि कहां कहां मुझसे क्या हुआ, इस मजमूई नतीजे पे आप कहां तक पहुंचे। देखिए आदमी ना गलतियों और सही काम दो चीजों के बीच में अपनी लाइफ गुजार रहा होता है, तो आपको एनालिसिस करने का मौका अक्सर मिलता रहता है, कभी झटका लगने से मिलता है, कभी वैसे भी आपको मिलता रहता है। तो हर दिन आदमी को कुछ ना कुछ सिखाता है, पहले भी ऐसे ही था। यानी ये जो मैंने एक मामले पे आज भी माजरत की, ऐसा नहीं है कि मैंने कैद होने से पहले नहीं की थी, पहले भी की थी। जब हम बलूचिस्तान गए थे तो रवि भाई को याद है मैंने वहां पे भी ये माजरत की थी उनसे कि उस वक्त, और वो भी ऐसा नहीं है कि ये सोच के किया हो कभी कि इसमें कोई लालच या खौफ का आंसर नहीं, तब वो ठीक लगता था। लेकिन आपको रोजाना नए हकायक पता चलते हैं, वो बकौल सदीक जान आपकी आंखें खुलती है, पूरी कौम की खुल गई आंखें, वो तो ये कह रहा था। तो वो बात ठीक है, आंखों का ऑपरेशन, तो आपको जब नई चीज पता चलती है आप नई चीज सीखते हैं। तो इसमें मैंने कई चीजों के ऊपर सीखा है, लेकिन सबसे जो बड़ी चीज है वो तन्हाई में आपको अल्लाह ताला बहुत कुछ ऐसा सिखाता है जो आपको वैसे कभी मौका नहीं मिलता। ये बात आपकी ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। सर ये बताइए कि आज जब आप लापता हुए थे, जब आप गुमनामी की जिंदगी में चले गए थे, कभी ऐसा महसूस हुआ, कोई ऐसा दिन आया आपकी जिंदगी में कि आपने कहा बस अब शायद मैं कभी भी वापस आ सकूं, या आज आखिरी दिन है? रोज सर अगवा होने से लेकर निकलने तक का सारा जो आपको पता है कि कितने दिन आओ कहाँ रहे हैं। और सर इसमें ये भी ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर भी सारे साफी हैं, तो खुदा ना खास्ता कभी किसी साफी के साथ इस तरह से हो सकता है, तो वहाँ पर अहवाल जिस तरह से भाई ने पूछा, लेकिन वहाँ पर मेन चीज जो है कि किस तरह बंदा डट सकता है किसी अपने पॉइंट ऑफ, अल्लाह ना करे कभी किसी को ऐसी तकलीफ से गुजरना पड़े, अल्लाह ना करे, मेरी दुआ है आप सबके लिए, अल्लाह किसी को भी ऐसी तकलीफ से ना गुजारे। इमरान भाई आपके सामने कोई सबसे ज्यादा जो चीज आपको याद आई वहां पे, टॉर्चर सेल कहें, जेल कहें, कुछ और कह लें,
वो ऐसी क्या चीज थी जो पर्सनली जो आपको याद आई? वो दो चार दिन होना तो आपको एक दो चीजें याद आती हैं, मैं तो कोई चीज बची नहीं थी जो याद ना आई हो। सबसे पहले तो आपको अल्लाह याद आता है जब भी आप फंसते हैं ना जिंदगी में कभी, सबसे पहले आपको अल्लाह याद आता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है बार बार के, खासतौर पर उसने कश्ती वाली मिसाल दी है कि जब इनकी कश्ती तूफान में गिर जाती है तो ये अल्लाह को याद करते हैं खालिस अल्लाह को पूरी तौहीद के साथ। तो जब अल्लाह इनको साहिल पे पहुंचा देता है तो फिर अक्सर जो है उनमें से कुछ ऐसे हैं वो मुकर जाते हैं। इमरान भाई एक बात सुनिएगा, आपके सामने कोई डिमांड रखी गई ये सवाल, आप जो है ना हक की आवाज बुलंद करना बंद कर दें हम आपको छोड़ देंगे, कोई डील या कोई इस तरह की बात हुई थी आपके साथ? आप ये ना पूछे आपके लिए बेहतर है। तो मीडिया पे पिछले दिनों जो आपने पोस्ट की, मुबशिर ज़ैदी साहब बड़ा तनकीद कर रहे थे, इससे पहले जब आप अरेस्ट नहीं हुए थे, अगवा नहीं हुए थे, इकरार हसन साहब से आपका बड़ा सोशल मीडिया पर जारी रहता था, अभी आप अपने वीलॉग शुरू करने जा रहे हैं साफियों के साथ, फिर क्या कोई इस तरह का सिलसिला होगा? देखिए इख्तलाफे रहना चाहिए, मैंने कहा कि हम में से कोई भी मुकम्मल नहीं है, हम सबसे गलतियां होंगी, बात यह है कि हम गलती से कुछ सीख सकते हैं या नहीं। हम पहले भी गलतियां करते रहे, आइंदा भी करते रहेंगे और सब करते हैं, कोई भी मुकम्मल नहीं होता, और इख्तलाफे राय तो बड़ी अच्छी चीज है। जहां तक इकरार का मामला, इकरार खुद मेरे घर आया था, बल्कि उससे पहले जब शुक्र है जब अल्लाह इनको साहिल पे पहुंचा देता है तो फिर अक्सर जो है उनमें से कुछ ऐसे हैं वो मुकर जाते हैं। इमरान भाई एक बात सुनिएगा, आपके सामने कोई डिमांड रखी गई ये सवाल, आप जो है ना हक की आवाज बुलंद करना बंद कर दें हम आपको छोड़ देंगे, कोई डील या कोई इस तरह की बात हुई थी आपके साथ? आप ये ना पूछे आपके लिए बेहतर है। तो मीडिया पे पिछले दिनों जो आपने पोस्ट की, मुबशिर ज़ैदी साहब बड़ा तनकीद कर रहे थे, इससे पहले जब आप अरेस्ट नहीं हुए थे, अगवा नहीं हुए थे, इकरार हसन साहब से आपका बड़ा सोशल मीडिया पर जारी रहता था, अभी आप अपने वीलॉग शुरू करने जा रहे हैं साफियों के साथ, फिर क्या कोई इस तरह का सिलसिला होगा? देखिए इख्तलाफे रहना चाहिए, मैंने कहा कि हम में से कोई भी मुकम्मल नहीं है, हम सबसे गलतियां होंगी, बात यह है कि हम गलती से कुछ सीख सकते हैं या नहीं। हम पहले भी गलतियां करते रहे, आइंदा भी करते रहेंगे और सब करते हैं, कोई भी मुकम्मल नहीं होता, और इख्तलाफे राय तो बड़ी अच्छी चीज है। जहां तक इकरार का मामला, इकरार खुद मेरे घर आया था, बल्कि उससे पहले जब शुक्र है मेरी गिरफ्तारी से पहले अगर खुदा ना खास्ता मैं वापस ना आता तो उसको जिंदगी भर ये गिल्ट रह जाता। उसने मेरी गिरफ्तारी से पहले मुझे फोन किया था एक दिन और सॉरी किया था, तो मैंने कहा मेरा तो कोई शिकवा ही नहीं है भाई, आपकी इंडिपेंडेंट राय है, आप मेरे बारे में कोई भी राय रख सकते हैं। अच्छा इमरान भाई, आपके जो चाहने वाले हैं बहुत शिद्दत से आपके पहले वीलॉग का इंतजार कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वीलॉग में वही जोश और जज्बा, वही जज्बा और वही बहादुरी होगी, और साथ ही साथ जिस तरीके से आप लोग आपको चाह रहे हैं, अभी हमने देखा प्रेस क्लब के बाद जिस तरीके से लोग आपसे मिल रहे थे, तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको इमरान खान आपके अंदर नजर आ रहे हैं, तो क्या कोई सियासत में भी आ सकते हैं, उस हवाले से भी कोई सोच है आपकी? अच्छा ये वैसे आप सबको ही जवाब देना चाहिए उन सारे लोगों को जो कह रहे थे कि ये इलेक्शन लड़ेगा, पहले तो कागज नहीं जमा करवाए मेरे तो घर इलेक्शन चल के आया बार बार, पहले तो नहीं कागज जमा करवाए। आपको अगर मैं नाम लूं उन लोगों के जो बहुत इंसिस्ट कर रहे थे तो आप हैरान हो जाएंगे। बहुत अरसे से होता क्या है कि एक दौर में मेरा मौकिफ सूट कर रहा था पीएमएलएन को, परवेज मुशर्रफ का दौर था, दे वर हैप्पी, पीपल पार्टी का दौर था, पीएमएलएन बड़ी खुश थी मेरे मौकिफ को लेकर, सदके वारी जाते थे ये फिर इनको मेरा मौकिफ सूट नहीं किया, एक टाइम आया पीपल पार्टी को कुछ सूट किया मेरा मौकिफ, फिर उनको सूट नहीं किया, फिर जो बहुत ताकतवर लोग हैं उनको मेरा मौकिफ बहुत सूट किया एक वक्त में, वो भी सदके वारी जानते सन, अब पीटीआई को सूट कर रहा है मेरा मौके ताकतवर अब भी सदके, कल इनको भी हो सकता है सूट ना करे, मुमकिन है, तो ये तो चलता रहता है। यानी जिस वक्त आपको जो बात ठीक लग रही हो, मेरा थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है भाई, मैं आप लोगों को नहीं कहूंगा आप लोग ऐसा करें, मैं न्यूट्रल नहीं अपने आप को कर सकता,
मुझे लगता है ये वाली बात गलत है, मैं कह ही देता हूँ, राय नहीं चाहता मेरे, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। यानी मुझे लगता है ये गलत है और ये सही है, तो मैं दोनों के बीच में अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता, शुरू से ही नहीं कर पाता, मैं कह देता हूँ ये वाली गलत है और ये वाली सही है बात, तो इसलिए जिसको वो मौके सूट कर रहा होता है उसकी मैं आंखों का तारा बन जाता हूँ। ऐसी ही जिंदगी गुजरी है, आप सारे गवाह हैं। अभी ये हो सकता है कल को वक्त क्या करवट ले, आज जो मेरा मौकिफ है वो एक और सियासी जमात को सूट कर रहा है, हो सकता है कल उन्हें ना करे, और मैंने सियासत में आने का कोई फैसला नहीं किया। जब करूंगा आप सबको इकट्ठा करके ऐसे अनाउंस करूंगा कि भाई अब मैं सियासत में जा रहा हूं और मैं करना चाहता हूं, और उसको भी खुल के करूंगा, ऐसी दबी दबी किस्म की नहीं करूंगा, खुल गुला के करूंगा। इमरान देखे, मैं ना एक दिन बैठा हुआ था अपने ड्राइंग रूम में, मेरे वालिद साहब ने मुझे डोनेशन दिया था कि बेटा लोग भूखे हैं, फ्लड आया हुआ है, तो हमने सेविंग नहीं रखनी, ये पैसे जो है वो दे दो। मैंने उनको बुलाया, अपने एक दोस्त को, वो काम करते थे इसका डोनेशन का, मैंने उन्हें कहा जी ये आप मदद करें फ्लड में जाके, उन्होंने कहा हम वाकई कर रहे हैं, तो ये हमें जरूरत थी पैसों की, आप दे दें। लेकिन उन्होंने मुझे उन दिनों में मुझे नौकरी से निकाला हुआ था एक्सप्रेस में, ज्यादा था और मेरे पास काम भी कोई नहीं था, बस वीलॉग मैं कर रहा था, तो उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ मदद क्यों नहीं करते। उन्होंने मुझे कैंप बना दिया और मैं वहां चला गया, और मुझे एक दिन पहले नहीं पता था कि मैं एक कॉज के लिए मदद करने निकलूंगा और वो इतना बड़ा कॉज हो जाएगा। कितने घर बनाए रजी भाई अल्लाह ताला ने? 2055 घर। ये रजी भाई हमारे साथ थे, इनके पास सारा रिकॉर्ड पड़ा है, अल्लाह ताला ने हमारे जरिए से बनवा दिए। एक दिन पहले मुझे नहीं पता था, मैं कुछ भी नहीं यकीन से कह सकता, वो मेरे अल्लाह का फैसला जो भी है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सहाफत करूंगा, मेरा काम है मुझे वही करना। मुझे ये पता है जिस दिन मैं बोलूंगा ना, वो भेड़ों के छत्ते में मैं हाथ दूंगा, ऐसी जलगार होगी कि आप लोग देखेंगे। मसला बोलने का नहीं है, मसला पूरा फाइट बैक करने का है। तो ये थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है, मुझे उम्मीद है ये 10 दिन नहीं तो 15 दिन में मैं इसमें से निकल जाऊंगा, और मुझे अचानक मैं उस दिन मुझे सुबह उठूंगा और मैं वीलॉग कर दूंगा और आप लोग सुन लेंगे। आपको जब लेके गए थे उसके बाद जब आप वापिस आए तो हालात मुकम्मल चेंज हो चुके, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ पता नहीं था। अच्छा कोई चीज नहीं मुझे पता थी, मुझे ये नहीं पता था कि फलस्तीन में क्या हुआ। जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा झटका दिया ना, या जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दी, यानी पॉलिटिकल पार्टीज आती और जाती रहती हैं, ये जुल्म नया नहीं है जो अब हम इस मुल्क में देख रहे हैं, लेकिन इस लेवल पे तो हमने कभी नहीं देखा। ये भी बिल्कुल एक सच है कि जो आज तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है वो तो हमने कभी ना सुना ना कभी देखा अपनी जिंदगी में, जिस लेवल पे इनके साथ हो रहा है। इमरान, लेकिन मुझे जो अफसोस रहेगा ना कि मैं बोल सकता था लेकिन मैं बोल नहीं पाया, फलस्तीन के अंदर जो जुल्म ज्यादती हुई, और वो सबसे बड़ा मुझे स्पेशली जब वो हॉस्पिटल वाली न्यूज मुझे पता चली कि पूरा हॉस्पिटल ही उड़ा दिया, डॉक्टर्स पेशेंट्स उनके अटेंडेंट्स सारे लोग शहीद हो गए, मीडिया वाले जहां थे वहां पे ऊपर से बम गिरे वो भी शहीद हो गए, तो उसके ऊपर मुझे बड़ा दुख है बहुत सा। इमरान भाई ये बताइए, बुखारी ने आपसे पहले मैंने इंटरव्यू किया तो बहुत ही मुझे नहीं पता कि नफरत किस लेवल की क्या वजह थी, वो यहाँ पर आए थे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बंदियाल को धमकियां देने गालियां देने, और दफा 144 के बावजूद किसी आईजी की मौजूदगी में वहां पर एहतजाज हुआ, इसकी क्या वजह है? क्या किसी नून लीग के बंदे ने आपको इस रिहाई के बाद फोन भी किया? कोई ऐसा बंदा उनमें से है कि जिसने आपसे हमदर्दी का इजाज किया? इमरान भाई भी मैं राणा सनाउल्लाह नहीं, राणा सनाउल्लाह का मुझे देखे मैंने पहले भी ये बात कही, राणा सनाउल्लाह तो मेरे घर में बैठ के कह के गए थे कि आपने मेरे पे एहसान किया, हालांकि मैं नहीं मानता, मैंने अपना काम किया था, तो मुझे लगा कि राणा सनाउल्लाह है और वो बड़ा दावा भी है कि बहुत वो उनको बहुत बड़ा मर्द सारी उनकी जमात कहती है, बड़ा मजबूत असाब का और करेक्टर वाला आदमी कहते हैं वो, तो राणा सनाउल्लाह को कम से कम अगर वो पॉजिटिव रोल नहीं प्ले कर पा रहे थे तो उनको कीचड़ नहीं उछालना चाहिए था,
उसकी मुझे सिर्फ मायूसी हुई, बाकी सब का मैं पता नहीं किन्ने की करना है, आइडिया था मुझे। अच्छा इमरान रियाज साहब ये बताइएगा कि जैसे कि आपने कहा कि मेरा बयान है कभी कौन सी पार्टी को पसंद आता है कभी किस पार्टी को, तो आपको किसके बयानिए पे ज्यादा चेस आई है? सही बात है था। यार मुझे ना अपना काम पसंद ही बहुत है, मैंने इसको बड़ा इंजॉय किया। अगर आपको ये काम पसंद है ना तो इसको करते रहना, डिजिटल मीडिया में वही आते हैं जिनको ये काम पसंद है, ये तनख्वाह तो यहां मिलती नहीं है, आप अपने दिल से आते हैं, पहले धक्के खाते हैं, जोर लगाते हैं, खबरें इकट्ठी करने की कोशिश, कभी इधर भाग कभी उधर भाग, ये सारे तो जुनूनी और शौकीन लोगों का काम है जो डिजिटल मीडिया में आए, इनका पैशन भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के लोगों से ज्यादा है, तो मुझे तो अपने काम में ही बड़ी चास आई है जैसे आप लोगों को सबको आ रही है। सामाजिक तंजीमों के किरदार के ऊपर आपको लेकर जब आपको गुमशुदा किया गया, लापता किया गया, सहाफती तंजीमें डेफिनेटली सहाफती तंजीमों का एक किरदार रहा है हमेशा से, लोगों के लिए दावे करती है कि हम बाहर निकलती हैं, लेकिन आपने आपके मुद्दे को लेकर सहाफती तंजीमों का जो किरदार आप तक पहुंचाया गया जब आप वापस आए या अब तक खबरें पहुंची, उसको किस नजर से कहते हैं? देखिये मैं एक चीज तो आपको क्लियरली कह दूं कि मुझे गिला नहीं है किसी से, अगर किसी ने मेरे पे कीचड़ उछाला या किसी ने को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया उससे है मुझे प्रॉब्लम, यानी तलत हुसैन ने कहा कि मैं खुद ही चला गया हूं और खुद ही आ गया हूं, क्यों भाई तलत हुसैन ने कहा, उनको कहां से ये बात पता चली, या उनको मैंने तो नहीं ये बात कही, तलत हुसैन को खुद ही चला गया खुद ही आ गया, वो तो ये उन्होंने क्लेम कर दिया। यहां मेरा गिला बनता है, जो नहीं पोल पाया उससे क्या गिला करें, मजबूरी होगी कोई। सर ये शायद हकान अब्बासी जिनका आपने दफा इंटरव्यू भी लिया था, एक दफा दो तीन दफा लिया, दो तीन दफा उन्होंने कहा वो आपको जानते ही नहीं, बनता भी यही था। इमरान भाई बताइएगा कि हमने जब ये आपको गुमशुदा जिंदगी में चले गए, हमने हुकूमत से बारहा पूछा, वजीर आजम उनके जितने नुमाइंदे थे वो कहते थे हमें तो पता नहीं, कि आप भाई थे हमको पता नहीं था, और दूसरा वो आगे से ये जवाब देते थे, मैं समझता हूं पूछे ये टक्कर का सहाफी था जरा इनसे पूछिए कहां होगा, ये भी कहते थे साहब। तो भाईजान वो अगर कहते थे उनको नहीं पता तो मैं उनपे करता हूँ, बाकी नहीं पता होगा। आपके वक्त का मैं कायल हूँ, कम अज कम मैं आपके व्लॉग्स बड़े रेगुलर सुनता था, और 17 जुलाई 2022 को जो इंतखाबात हुए थे आपने कहा था कि हर तरफ से सर्वे हो रहे थे, वो हुकूमत में भी थे पावरफुल भी थे, कहते थे एक सीट दो सीटें पीडीए जीतेगी, एग्जैक्टली ऐसा ही मैंने कहा था कि ये 15 से ऊपर चले जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली वही हुआ था। अभी ये बताइए जो इस टाइम की यानी कि सिचुएशन है, ताकतवर मजीद ताकत में है, तो अब ये फिर उसी तरीके की रिगिंग करने की कोशिश करेंगे जो प्री पोल रिगिंग स्टार्ट भी हो चुकी है, अब आप बताएं अपना वो ओपिनियन दें क्योंकि अब आप फील्ड में आ चुके हैं। मैं आपको एक खबर दे देता हूं कि नवाज शरीफ के लिए अच्छी खबर नहीं है, इमरान खान के हवाले से एक कमेंट, देखिए उनका अभी मुबहम है, मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे पास कोई इतनी क्लियर खबर नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ के लिए अच्छी खबर नहीं है। बुनियाद पर मैं आपको कह रहा हूँ एक मुश्किल सूरत हाल से आप गुजर कर वापिस आ गए, और अब आप ये कह रहे हैं कि मैं दोबारा से अपने रिदम के साथ अपने व्लॉग भी अपना जो मौकफ था वो भी शुरू करूंगा, क्या आपको फिर से वो खौफ नहीं है कि कहीं आपको दोबारा उठाने लिया जाए? अच्छा इमरान भाई अब तक की आपने जो गुफ्तगू की उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने अभी की है, जो आप कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन की बेस पर आप ये बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए अच्छी खबर नहीं है, दूसरी तरफ वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट भी है मीडिया में आकर कह रहे हैं कि भाई हम लोग अगली हुकूमत बना रहे हैं, तो मजीद वजाहत करना चाहेंगे इस इन्फॉर्मेशन की, मजीद थोड़ी वजाहत नहीं पड़ी साहब ने ये दावे किए थे और इनकी पार्टी के सीनियर लोगों ने और ये वादे किए थे कि जिस वक्त हम लैंड करेंगे पाकिस्तान में पूरा पाकिस्तान इमरान खान को भूल जाएगा, वो अपना वादा नहीं पूरा कर सके।
तो ऑप्शन क्या है मियां साहब के अलावा, कौन सा ऑप्शन है इस वक्त? इमरान खान तो उतना काबिल कबूल है इस वक्त? काकड़ साहब कैसे रहेंगे? इमरान भाई बहुत से लोग, बहुत से लोग आपको अपना हीरो मानते हैं, अशोक सिंह भाई को भी अपना हीरो मानते हैं, क्या दौरान हिरासत या गुमशुदगी के दौरान कभी अरशद भाई की याद आई या उनका कुछ जहन में ख्याल आया? तो सर क्या उस वक्त तासरात क्या थे आपके? मैंने आपसे इस बात क्या थे कहा ना, इतने सारे दिन है यार, सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा कि आपको अल्लाह याद आता है, फिर रोजाना मुझे कभी कोई बच्चा याद आता था, कभी फैमिली का कोई रुकन याद आता था, कभी अम्मी अबू, कभी कोई दोस्त बड़ी शिद्दत से याद आता था, कि घोड़ी मेरे पास है उसकी याद आ रही थी एक दिन, तो होता है ना आपको के आपके पेट्स होते हैं वो भी आपको बाद वक्त याद आते हैं, दोस्त बहुत सारे ऐसे हैं जो याद आ रहे थे, लेकिन सीरियसली वाकई अरशद शरीफ मेरे दिमाग के कोने में रहा। वजह ये भी थी कि मुझे कई दफा लगता था शायद मैं भी वापस नहीं जा पाऊंगा, कि भी एक रीजन हो सकता है, कोई भी चीज श्योर नहीं होती। इमरान भाई, सर आपने डिजिटल मीडिया वालों को बोस्ट किया है, जिस तरह डिजिटल मीडिया को बोस्ट किया आपने, इमरान अरशद शरीफ को शहीद किया गया, आपके साथ ये किया गया, अब हम लोग इस तरह की वीडियो बनाते हैं हमें तो रोका जाता है कि भाई इतने बड़े एंकर थे उनके साथ ये किया गया तो आपको छोड़ेंगे, तो ये जारी रखना चाहिए चीजें? देखिए मैं एक चीज मानता हूं, ये डिसीजन आप सबको अपने अपने तौर पे करना है भाई, मैंने अभी क्या कहा कि मैं उन लोगों से गिला नहीं कर सकता जो बोल नहीं पाए मजबूरी से, क्यों करूं, हर एक अपनी जिंदगी है, उसकी अपनी मजबूरी है, उसकी अपने हालात हैं जिनके मुताबिक वो फैसला करता है, सबके अपने अपने हालात हैं। अच्छा इमरान के मुताबिक कुछ फैसला, मशवरा आपको दूंगा तो सिर्फ ये दूंगा कि आप लोग पुराने पाक को पढ़े तर्जमे से। जिनकी बेस पे आप शो किया करते थे, आपने अपनी तकारीफ में इस बात का इतराज किया, लापता काटा, तो ये बताएंगे आप दोबारा जब आप सहाफत का आगाज करने जा रहे हैं तो क्या मुख्तदरा के साथ एस्टैब्लिशमेंट के साथ आप उसी तरह के मुनासिब देखेंगे? अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, देखो इसको जरा आज क्लियर कर ही देते हैं, बहुत अच्छा किया आपने ये सवाल कर लिया, बैठे इसको क्लियर कर देते हैं, हमें जादूगर कौन है? कोई ऐसा जो रात को सोता हो और उसको खबर आ जाती हो ख्वाब में? मैंने इतनी कन्वर्सेशन में सिर्फ एक खबर दी आपको जो इस वक्त है, बेबी कल हालात बदल जाए तो मैं आपको बता भी दूंगा, इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर वो ये कि मियां साहब के लिए वो ग्राउंड नहीं है जो उन्हें लगता है कि उनको मिल जाएगी, मतलब तो एक ही खबर दी ना इतने सारे बातचीत में, हमें कोई भी जादूगर नहीं है, ये खबर मुझे कोई ख्वाब में नहीं आई रात को सोते हुए, कहीं से आई है ना, इसी तरह हमारे सोर्सेस होते हैं, कभी पुलिस में, कभी एजेंसियों में, कभी नैब में, कभी ब्यूरोक्रेसी में, जहां से हम सारे खबरें ले रहे होते हैं, ऐसे ही खबरें आती हैं और उनको हम वेरीफाई करके अपने आप को कायल करते हैं और चला देते हैं। आपको ये जुमला तो याद है कि मैंने फाइलें देखी, लेकिन उसके बाद एक जुमला था उसको याद करो, निकाल के सुनो और इस वीलॉग में लगाना कि पहले मैंने अपने आप को कायल किया, कैसे किया? फैक्ट चेक, मैंने इनको लेटर लिखे थे शरीफ फैमिली को कि इसका जवाब दो, इनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं था, तो जब मैं कायल हो गया तो मैंने अपना काम किया। हाँ मुझे आज भी कोई भी पाकिस्तान का कोई भी इदारा मुझे आज भी खबर देगा तो मैं लूंगा उससे, क्यों नहीं लूंगा, लूंगा खबर, लेकिन अपने तरीके से उसको वेरीफाई करके चलाऊंगा जैसे मैं पहले करता था, आज भी लूंगा। देखें ये नहीं हो सकता कि हमें ख्वाब में खबर आए और हम चला दें, ये ही सेड शी सेड जर्नलिज्म नहीं है, आपके सोर्सेज बनते हैं इदारों में, महकमों में, एजेंसियों में, डिपार्टमेंट्स में, सहाफियों में, पॉलिटिकल पार्टीज में, वहां से आप खबरें निकालते हैं।
हादसाती तौर पे तो आपको कभी अचानक ही कोई खबर मिलती है, जैसे मैं एक दिन सड़क से जा रहा था तो गोली चल गई, मैं उतर के देखा तो वो अंग्रेज था, वो गोलियां मार रहा था, रेमंड डेविस पे मौके पे खड़ा था, ये हादसाती तौर पे मुझे खबर मिल गई। लेकिन उसका नाम रेमंड डेविस था और वो अमेरिकन है, ये पता करने के लिए मुझे अपने पुलिस के सोर्स को एक्टिवेट करना पड़ा और एक एजेंसी के, वहां से फिर पता चला कि ये एक्चुअली बंदा कौन था। खबर ख्वाब में नहीं आती भाई, आइंदा भी मिलेगी तो खबर दूंगा, उस पर काम करूंगा और आपको दूंगा।